नमस्कार बच्चों, हम पिछली कक्षा में सातवीं कक्षा की संस्कृत पढ़ रहे थे जिसका नाम रुचिरा भाग दो। बच्चों, इस पुस्तक का हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। बच्चों, इसका हमने हिंदी कर ली थी और अभ्यास कर लिए थे, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। बच्चों, ये पहले मैं आपको मौखिक रूप से करवा रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में आप इसके उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। उच्चारणम कुरुतः फुलोत फलम अवलंबय, जो शब्द दिए हुए हैं आपने उच्चारण करने हैं। फुलोत फलम अवलंबय पक्तवा कम्बुग्रीव है आवाभ्याम भक्षयिष्यामि। अगला है उक्तवान हरदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट है। ठीक है, आगे देखो दूसरा प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? तो इसका नाम था कम्बुग्रीव है। ठीक है, अगला है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के तट पर कौन आए थे? तो कौन आए थे? धीवराह, इसका हो जाएगा धीवराह है। अगला है कूर्म है केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ है किस मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा करता है, कहीं और जाना चाहता है, तो किस मार्ग से जाना चाहता था? तो आकाश मार्गेण, केन की जगह आकाश मार्गेण आ जाएगा। वीडियो के लास्ट में बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप इसके उत्तर देख सकते हैं। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन उसके पीछे दौड़े, कौन दौड़े थे? तो गोपाल कहा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, जो नीचे दिए गए वाक्य हैं किसको किसने कहे? ठीक है, आपने ये बताना। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातःकाल जो उचित होगा वही करना है। तो ये कहा था कह यानी हंसव कम प्रति कथयति कूर्मम प्रति, यानी हंसों ने कछुए को कही थी। आगे है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मैं आप दोनों के साथ, ये सह है ना बच्चों, ये उपपद विभक्ति, इसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे आकाश मार्गेण, इसमें तृतीय का प्रयोग हो रहा है किसके कारण? सह के साथ। इसमें आ जाएगा कूर्मम हंसव प्रति। आगे है अत्र का उपाय, यहां क्या उपाय है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था हंसव कूर्मम प्रति, हंसों ने कछुए को कहा था। अगला है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कहा था कूर्मम हंसव प्रति, कछुए ने हंसों को। अगला है यूयम भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ, ये कहा था कछुए ने हंसों को, कूर्मम हंसव प्रति। अगला प्रश्न है देखो क्या है, मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, जो पेटिका में जो मंजुषा में जो शब्द दिए हैं बच्चों, इनके आधार पर जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। तो पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते आ जाएगा, इसमें हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। दूसरा है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, अगला है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वाले हितैषियों के वाक्यों को आदर के साथ नहीं मनन करते। ठीक है, अगला है एक है कूर्म अपि तत्रेव, एक कछुआ भी तत्रेव वहीं वहीं पर क्या था? प्रतिवस्ती समय रहता था। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, कि मैं आकाश मार्ग से
कहीं और जाना इच्छा में चाहता हूँ। अगला है वयम गृहम नित्वा कुर्मम, कि हम सब गृहम घर ले जाकर नित्वा ले जाकर कुर्मह कछुए को भक्षयिष्यामः खाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है देखो। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिखत, आपने पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो कहाँ जाना चाहता है आपने पढ़ा था कच्छप अन्यत्र हरदम गंतुम इच्छति, कछुआ जो कहीं और दूसरे तालाब में जाना चाहता था। ठीक है, दूसरा है कच्छप किम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय कहता है, इसके लिए कछुआ क्या उपाय कहता है, क्या बताता है, तो कच्छप वदति कछुआ कहता है युवाम काष्ट दंडम एकम चंचुआ धारियताम, कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करो, अहम काष्ट दंड मध्य अवलंबय युवयो हो पक्ष बलेन सुखेन गमी श्यामी, कि मैं काष्ट दंड मध्य की लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबय लटक कर युवयो तुम दोनों के साथ पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल के साथ सुखेन सुख से आसानी से गमी श्यामी चला जाऊंगा। ठीक है, अगला है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपाल कहा किम एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर जो गोपालक हैं गोपाल हैं वे क्या बोले, ग्वाले थे वे क्या बोले, क्या कहा उन्होंने, तो इसका उत्तर होगा लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर गोपाल कहा एवदन, गवालों ने कहा अहो महद आश्चर्यम, के बड़े आश्चर्य की बात है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखित, जो ये वाक्य दिए हुए हैं बच्चों आपने घटना क्रम के अनुसार, यानी पहली घटना का वाक्य कौन सा है, दूसरी का कौन सा है, क्रम से लिखने हैं, आगे पीछे दिए हुए हैं, तो ये मैं बता देता हूँ पहले क्या आएगा। पहले आएगा ग, कूर्म हंसौ च एकस्मिन सरसे निवसंती समय, कि कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। ठीक है, फिर क्या आएगा दूसरे नंबर पे, घ आएगा केचित धीवरा सरस्तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे सरस तालाब के तट पर आए। फिर आएगा गय भाग कुर्म है अन्यत्र गंतुम इच्छति समय है, कि जो कछुआ कहीं और जाना चाहता था। आगे क्या आएगा, कह आएगा पहला कुर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कि कुर्म जो हंसों के साथ सहायता से आकाश मार्गेण हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाना गया अगच्छत यानी गया। फिर क्या आएगा च आएगा इसका ये रहा नीचे लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपाल का अधावन, कि लटकते हुए कछुए को देखकर जो गवाले थे वे उसके पीछे दौड़े। फिर क्या आएगा ख भाग आएगा इसमें गोपाल का अकथियन वयम पतितम कूर्मम खादई श्याम है, कि गोपाल गवालों ने कहा कि हम इसके गिरते ही कछुए को नीचे गिरते ही खादी श्यामी खाएंगे। फिर क्या आएगा छह भाग आखिरी एक बच गया इसका ये रहा कूर्म है आकाशात पतित गोपाल कई मारितश्च, तो जो कछुआ था वो आकाश से गिरा और गवालों के द्वारा मारा गया। ठीक है बच्चों, सातवां प्रश्न देखो मंजुषा तह पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो पेटिका में शब्द दिए हुए हैं उनको चुन करके उनके माध्यम से आपने जो रिक्त स्थान दिए हैं उनकी पूर्ति करनी है। ठीक है, देखो ये कहानी दी हुई है, पहले हम इसकी हिंदी समझेंगे। एकस्य वृक्ष से शाखासु अनेके काका वसंती समय, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक काका कौवे रहते थे। ठीक है, तस्य वृक्षस्य उसके वृक्ष के
कोटरे आएगा इसमें, खोखल में, वृक्ष के खोखल में एक है, एक सर्प अपि अवसत कि एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, अनुपस्थित इसमें आएगा कि कौवे के अनुपस्थिति में क्या आएगा, इसमें इसमें आएगा सर्प है, ठीक है, सर्प है। काका नाम शिशुन है, खादती समय है, जो सांप था वो उनके बच्चों को खाता था, जब कौवे वहाँ नहीं रहते थे तो पीछे से उनके बच्चों को सांप खा जाता था। आगे है काका हा कौवे, इसमें क्या आएगा, दुखिता आसन कि जो कौवे थे वे दुखी हो गए। तेषु एक है, फिर खाली स्थान दे दिया, इसमें क्या शब्द आएगा, इसमें आएगा वृद्ध है कि तेषु एक है वृद्ध है काक उपायम, फिर खाली स्थान दे दिया, इसमें आएगा अचिंतयत कि उनमें एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा, क्या कहा, वृक्षस्य, फिर खाली स्थान दे दिया, इसमें आएगा समीपे कि वृक्ष के पास में जलाशय आसित कि जो वृक्ष के पास हैं पास में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय को आगच्छति आती है, ठीक है। आगे है शिलाया स्थितम तस्या, ये रहा नीचे है, इसमें कहा कि शिलाया स्थितम तस्या आभरणम कि पत्थर में स्थित, पत्थर पे स्थित उसने अपने आभूषणों को, आभरणम होता आभूषण, आभूषणों को इसमें आएगा आदाय रख करके, समीपम आगच्छन पास में रख दिए थे, ठीक है, सॉरी निचली लाइन बोल गए थे, एक काक है आभरणम आदाय लेकर के, एक काक है एक कौवा वृक्ष से वृक्ष के ऊपर स्थापित स्थापित कर दिए, एक कौवे ने उसके आभूषण को लेकर के वृक्ष के ऊपर ले गया भाई। आगे है राज सेवक काकम अनुसृत है, जो राजा के जो सेवक थे वो काकव्य का अनुसरण करके वृक्षस्य, ये खाली स्थान दे दिया इन्होंने, इसमें आ जाएगा वृक्षस्य वृक्ष के पास में अगच्छन गए। तत्र तेतम सर्प च एमारियन, वहाँ पर उस सांप को उन्होंने मार दिया, ठीक है, जो कौवे के बच्चे को खाता था ना, तो उस सांप को राज सेवकों ने मार दिया। अतः एवं उक्तम, इसलिए उचित ही कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति कि उपाय के माध्यम से, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। ये आगे देखो बच्चे, इसमें धातव्य दे रखा है, इयम कथा यह कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात उद्धृता कि यह कथा पंचतंत्र इस ग्रंथ से ली गई है, पंचतंत्र से लेखक के विष्णु शर्मा है, पंचानाम तंत्राणाम समाहार है पंचतंत्रम इति कि पांच तंत्रों के होने से के कारण समा पांच तंत्रों का योग होने के कारण इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र है। अतः पंचतंत्र से पंच भाग संति, जो पंचतंत्र है उसमें पांच भाग हैं, पहला है मित्रभेद, दूसरा मित्रलाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्राणाशय है, और पांचवा है अपरीक्षित कारकंच। अस्मिन् पाठे अन अवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशय भवतीति दर्शितम, इस पाठ में कि अन अवसर पर बोलने पर क्या सब कुछ कैसे सर्वनाश हो जाता है, यह बताया गया है, यह दिखाया गया है इस पाठ में। कवचित मौनम कार्य साधकम भवति, और कहाँ पर मौन यानी चुप रहना कार्य को सिद्ध करना करने वाला होता है, जैसे यथोक्तम उचित ही कहा गया है, विभूषणम मौन पंडिता नाम कि विभूषण होता है आभूषण, कि मौन रहना ही पंडितों का जो आभूषण होता है। मूर्खों ही शोभते तावत यावत किंचित न भासते, मूर्ख सुशोभित नहीं होता, जब तक वह कुछ नहीं बोलता तब तक वह सुशोभित या शोभायमान होता रहता है। जब विद्वान जहाँ विद्वानों की सभा बैठी होती है वहाँ पर मौन रहना ही मूर्खों का सबसे बड़ा आभूषण होता है, ये बताया गया है बच्चों इसमें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका पूरा अभ्यास हो गया,
आपके दो अध्याय हो गए हैं, अगली कक्षा में हम इस पुस्तक का तीसरा अध्याय करेंगे जिसका नाम है स्वालंबनम। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज जो बताया है उसको अपनी कॉपी में लिखना है और हमें सेंड करना है। धन्यवाद।